हेलो रोबोटिक गाइस, आज मैं जा रहा हूँ आपको बताने कि ऑक्सिलरी कंडीशंस कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं, हम जब वेल्डिंग कर रहे होते हैं उस दौरान इसका क्या क्या मतलब किस किस यूज़ कर सकते हैं, मैं अब वो सब चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसमें होता है रीट्राई फंक्शन। रीट्राई फंक्शन का मतलब क्या है, अगर आपके पार्ट पर मटेरियल पर अगर कोई भी डस्ट आ गया है या ऑयल लग गया है तो वो क्या करेगा, जाएगा वेल्ड मारने और स्पार्क जनरेट नहीं होगा, फिर दोबारा ट्राई करेगा, फिर दोबारा ट्राई, जब तक स्पार्क नहीं हो जाए तो वो ट्राई करेगा, पर वो कितनी बार ट्राई करे ये आप डिसाइड कर दो। देख रहे हो ना आप कितने टाइम्स करेगा, तो इसमें 1 लिखा हुआ है, तो आप इसे 3, 4, 5, 6 जितना आपका मन करे आप वो डाल सकते हो वैल्यूज। ठीक है, रीट्रैक टाइम वेल्डिंग, उसने ट्राई किया फिर वो बाहर थोड़ा छोड़ेगा, उसे अंदर भी लेगा तो 0.10 सेकेंड के अंदर फिर वो अंदर भी ले लेगा। रिप्ले डिस्टेंस, अगर वहाँ से ख़त्म हो गया तो फिर वो दोबारा से रिप्ले कहाँ से करेगा, 10 mm पीछे जाके करेगा, तो वो 10 mm आप डालो, आप 15 डालो, 5 डालो, जो आपका मन करे। फिर आती है स्पीड, अब वो सिंपल चीज़ है, जब वो करेगा तो कितनी स्पीड से करे तो वो स्पीड भी आपको मेंशन करनी है, वो करंट वोल्टेज क्या होना चाहिए उस वक्त जब वो रीट्राई कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग जॉब पर डाल सकते हो। रीस्टार्ट फंक्शन हम किसे कहते हैं, रीस्टार्ट फंक्शन कहते हैं अगर हमारी पावर फेलियर हो गया या कुछ हो गया है तो अब उसे स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट कैसे करना होगा, वन टाइम हमने रिज्यूम किया स्टार्ट हुआ, नहीं हुआ हमने दोबारा उसको रिप्ले मारा तो सेकंड टाइम स्टार्ट करेगा। लैप डिस्टेंस, अब जब वो स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए आपकी वेल्डिंग हो चुकी है और पावर फेलियर हो गया, अब दोबारा आपने रिज्यूम किया तो वो बीच में क्या गैप दे देगा, आप चाहते हो कि वेल्डिंग मेरी गैप ना आए तो आप क्या करोगे, उसमें डालोगे डिस्टेंस 5 mm 10 mm वो डालोगे तो लैप डिस्टेंस होगी आपकी, वो जाएगा उतना दूर और जाके वो रन कंप्लीट करेगा। ऐसी करंट वोल्टेज के अकॉर्डिंग आप डाल दीजिए, स्पीड जितना पे कराना है। अभी ये है रीस्टार्ट मोड, अब इनमें से कोई भी फेलियर होता है तो वो रीस्टार्ट मोड कैसे होगा, अगर आपका आर्क फेलियर हुआ है तो आप उसे क्या रखोगे, ऑटो रीस्टार्ट। आर्क फेलियर होगा तो बाहर से रिज्यूम होगा तो अपने आप ही चालू हो जाएगा। ठीक है, आर्क ऑफ कंटिन्यू कर दोगे तो वहीं बंद हो जाएगा। सेमी ऑटो रीस्टार्ट एक बार होगा फिर होगा ही नहीं। गैस फेलियर हमेशा सेमी ऑटो रीस्टार्ट रहता है, क्योंकि हम लोग बाहर से उसे रीस्टार्ट नहीं कर सकते, जब वेल्डिंग पॉइंट आएगा तभी वो रीस्टार्ट होगा। वायर फेलियर, अगर वायर फेलियर होगा तो इसे भी हम सेमी ऑटो रीस्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये सब ऊपर आपके पावर बेल्ट सोर्स से ही वर्क करता है। ठीक है, इसे हम अपने अकॉर्डिंगली नहीं कर सकते, अगर वायर ख़त्म हो गया तब ऐसा कुछ देगा आर्क फेलियर। ठीक है, अब आता है आपका वायर एंटी स्टिकिंग फंक्शन। अब एंटी स्टिकिंग किसे कहते हैं, जब आपका वायर वेल्डिंग मारते वक्त चिपक जाए या लाइट चलेगी तब चिपक जाए, तब उसे हटाने के लिए क्या करते हैं, वायर एंटी स्टिकिंग के लिए भी 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम जो भी आपको डालना है आप वो डाल सकते हो। एक करंट वोल्टेज आप उसके अकॉर्डिंगली सेट करिए, और टाइम भी, टाइम की आपने ऑन किया वो कितनी देर में करंट वोल्टेज जनरेट करके और वायर स्टिकिंग ख़त्म कर दे। ठीक है, ये वो टाइम रहता है उस चीज़ के लिए। ठीक है, बाकी और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल से कनेक्ट रहें और हमें फॉलो करें। अगर आपको वीडियो में समझाने के बाद भी नहीं समझ आया तो आप हमें कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए, बाय बाय।